तो दोस्तों टोने टोटके में आप सबका स्वागत है दोस्तों आप सब बार बार यही एक बात बोलते हैं कि कुछ अजीब टोटका बताइए ताकि मैं किसी को वशीकरण कर सकू और तत्काल हो मेरे वश में हो जाए दोस्तों वशीकरण टोटका बताना और करना बहुत ही आसान है पर कभी आपने आगे के लिए सोचा है कि आपके साथ में क्या हो सकता है दोस्तों भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि जिस स्त्री को आप चाहते हो आप लाइफ सवारना चाहते हो या लाइफ सेटल करना चाहते हो तो आप उसे ही इस्तेमाल करो और उससे अपनी लाइफ में सेटल कर लो गीता में एक शब्द उन्होंने बोला है अगर आप उसके प्रति गलत भावना रखते हैं बुरे कर्म करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे प्लीज आप रीड करें और सुन ले गौर से हर इंसान चाहता है कि हम अपने फैमिली के साथ में रहे और सही मार्ग पे चले तो उसका जिंदगी नहीं हो जाता है। और जो जो इंसान सोचता है है कि यार मेरी तो मेरी मेरी वाइफ तो ठीक पार्टनर वो ठीक नहीं है हम किसी और को लाइन मारेंगे तो वो बंदा रास्ते से भटक जाता है और हर एक प्रकार के लड़कियों को पैसे देकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत करता है तो गलत आपके मरने के बाद आपके साथ में क्या होने वाला है वो सुन ले दोस्तों जब भी हम किसी स्त्री के साथ में गलत विचार रखते हैं गलत कर्म करते हैं तो वो स्त्री के शरीर में जितने भी बाल होते हैं जितने रोंगटे होते हैं इस पे गौर करें जितने भी बाल होते हैं जितने भी रोंगटे होते हैं उस इंसान को जो उसके साथ में गलत करता है उस इंसान को उतनी ही जन्म लेना पड़ता है जितने बाल जितने रोंगटे होंगे तो ये कितने में होंगे ये आप सब जानते हैं उसको उतनी बार मरकर जिंदा होना पड़ेगा वो हर समय में इंसान ही नहीं रह सकता कभी कीड़ा बनेगा कभी मकोड़ा बनेगा कभी कोई भी जीव जंतु बनेगा पर उतनी बार उसे जन्म लेना पड़ेगा तो दोस्तों ये भागवत गीता में स्पष्ट बोला गया है और ये आपको तय करना है कि अब वसीकरण आपको करना है कि नहीं करना है देखिए हमने वसीकरण टुटके मंत्र यंत्र सब आपको दिया है पर गलत करने के लिए नहीं दिया है अगर अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं या आप किसी लाइफ पार्टनर को मनाना चाहते हैं साथ में ही शादी करना चाहते हैं आप अवश्य यूज करें उसे पर किसी को धोखा देने के लिए ना करें धोखा दिए तो समझ जाना कि आप धोखे खाने वाले हैं दोस्तों मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि जितने भी मुझे सुनने वाले हैं जितने मुझे जानने वाले हैं वो गलत मार्ग पे ना चले और ये वीडियो में अगर मैं आप सबको समझा पाया हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें थैंक यू सो मच